हेलो गाइस, वेलकम टू F90 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। आईएसएल ट्रांसफर अपडेट्स के एक फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुरान कप शुरू हो चुका है और NUFC अपने फर्स्ट मैच ओडिशा FC के खिलाफ खेल चुके हैं, जिसका नतीजा NUFC के लिए अच्छा नहीं था। ओडिशा के खिलाफ NUFC को 0-6 स्कोर लाइन से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि NUFC का ये मेन टीम नहीं था, NUFC का रिजर्व टीम ओडिशा FC के टॉप प्लेयर्स के साथ कम्पीट किया था, जिससे डेफिनेटली वे प्लेयर्स को गुड एक्सपीरियंस मिला और ISL के लिए फ्यूचर रेडी होने का मौका मिला। फिर भी आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक NUFC फैंस कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स की आशा डेफिनेटली कर रही थी और लास्ट मैच के रिजल्ट्स के बाद आई एम श्योर NUFC डेफिनेटली इसके ऊपर वर्क करेगी। नेक्स्ट अपडेट है NUFC से किए गए प्लेयर्स रिटेनमेंट की न्यूज को लेके। मार्को बालबुल एंड अदर क्लब पर्सनल्स की बैक टू बैक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद NUFC ने अनाउंस किया है वेरियस पोजीशन में अपना रिटेनमेंट प्लेयर को, जहां पे गोलकीपर्स में है मिर्शद मिचू, निखिल डेका, डिफेंस में है गुरजिंदर कुमार, प्रभुत लाकरा, जो जोहरलियाना, मशहूर शरीफ, टंडंगबा सिंह। वहीं पे मिडफील्ड में है इमरान खान, मोहम्मद इरशाद, प्रज्ञान गोगोई, इमानुएल, प्रज्ञान मेढ़ी एंड स्ट्राइकर पोजीशन में है रोचार जिला, दान माउिया एंड गनी निगम। तीसरा एंड आखिरी अपडेट है इंडिया की फीफा बैन को लेके। इंडिया को थर्ड पार्टी एंगेजमेंट के चलते फीफा बैन लग चुका है, जिसका असर ISL क्लब्स के फॉरेन साइनिंग में भी डायरेक्टली पड़ेगा। ISL क्लब्स फीफा बैन रहते कोई भी फॉरेन साइनिंग नहीं कर पाएगी। विथ रिस्पेक्ट टू दैट, NUFC इज गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एज NUFC ने अभी तक कोई भी फॉरेन प्लेयर्स को साइन नहीं किया है। कुछ खबर के मुताबिक NUFC ने सम फॉरेन साइनिंग्स कर लिया है, जो सिर्फ ऑफिशियल करना बाकी था। अगर बैन से पहले साइनिंग डन हुआ है तो NUFC कैन इंक्लूड देम टू दी स्क्वाड, अदरवाइज बैन हटने तक NUFC विदाउट फॉरेन प्लेयर्स के साथ ही सीजन स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सभी NUFC प्लेयर्स NUFC से अभी जुड़े नहीं है। हाल ही में NUFC ने बैक टू बैक न्यू क्लब पर्सनल्स की साइनिंग को ऑफिशियल किया था और इसको देखते हुए हम फॉरेन प्लेयर्स की साइनिंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ट्रांसफर अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा, वीडियो को एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू।